दिल का। कसम खा अपनी दादी थी कि आज के बाद इंग्लैंड की बात भी नहीं सोचेगा। लायको, मेरी कसम क्यों खाते हो हमेशा? मैं बुग्गू लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचू भी तो मेरी दादी मर जाए। सत नाम वाहे गुरु। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द टॉक्सिक मीडिया। अब आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान की एक मोस्ट अवेटेड मूवी के बारे में, जिसका नाम है डंकी, जिसको डायरेक्ट किया राजकुमार हिरानी ने। जी हाँ दोस्तों, ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने पीके और थिएटर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को पहले बनाया था, और अब उन्होंने एक और कॉमेडी ड्रामा पिक्चर डंकी की अनाउंसमेंट कर दी है। और आज की इस वीडियो में ना हम लोग इस मूवी के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इस मूवी का स्टोरी प्लॉट और स्टार कास्ट क्या होने वाला है, और या फिर इस मूवी कंफर्म रिलीज डेट क्या है। तो इस मूवी के रिगार्डिंग सब कुछ जानने के लिए ना वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए फिर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें इस डंकी मूवी के स्टोरी प्लॉट के बारे में ना, तो इस मूवी की फुल स्टोरी इलीगल तरीके से इमिग्रेशन के ऊपर होने वाली है, जिसमें जो शाहरुख खान और उनकी टीम होगी ना, वो बिना वीजा और पासपोर्ट के यूएस और कनाडा जैसी कंट्री में एंटर करेंगे। और इस मिशन में ना इनके जो ट्रेवल का पूरा रूट होगा उसका नाम है डंकी फ्लाइट। और यही हम बात करें वेब सीरीज के स्टार कास्ट के बारे में ना, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में ना हमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विकी कौशल और बूमन ईरानी जैसे एक्टर मेन लीड में नजर आएंगे। और बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में ना, तो ये मूवी आपको क्रिसमस से 3 दिन पहले यानी 22 दिसंबर 2023 में थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। और तब तक आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ही बताओ कि आप लोग इस मूवी को देखने के लिए ना कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में एक नई मूवी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।